सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक छात्र ठग को गिरफ्तार किया है। गंगापुर सिटी पुलिस के अनुसार आरोपी अब तक लाखों की ठगी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। यह आरोपी फर्जी आईएएस तथा फर्जी आईपीएस बनकर लोगों को झांसा देता था तथा उनसे मोटी रकम वसूल करता था। आरोपी राम सिंह मीणा को गंगापुर सिटी सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने दर्जनों ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी के कब्जे से एक बाइक सहित 8 मोबाइल और 60 सिम कार्ड के अलावा एक अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के कब्जे से भागने की कोशिश में आरोपी घायल भी हो गया। ऐसे में उसे घायल अवस्था में गंगापुर सिटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर झांसे देकर भी लाखों की ठगी कर चुका है। कल दिनांक 11/3/22 को शाम को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध हथियार के साथ वो नारायणपुर टटवाड़ा से मीणा पाड़ा की तरफ जा रहा है, और इस व्यक्ति की संदिग्ध पहचान जो मुखबिर से हमें मिली थी उसके आधार पर इसको इंटरसेप्ट करके दस्तियाब किया गया। पूछताछ में जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने अपने इस पूरे प्रकरण में एक मोटरसाइकिल इससे के कब्जे से बरामद हुई है, 8 इसके पास से मोबाइल हेडसेट मिले और 60 सिम इसके कब्जे से बरामद हुई। इससे जब पूछताछ में की गई तो इसने बताया कि ये लोगों को विभिन्न प्रकार के विभागों का सचिव और उच्च अधिकारी बनकर ये उनको झांसे में लेता था और उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था। इसके अलावा ये नौकरी फर्जी नौकरी लगाने के नाम पर भी लोगों से लगभग दर्जन भर लोगों से ठगी कर चुका है, और इसकी जो अधिकारी बन के जो बात करने की शैली है वो इस प्रकार की कि इससे सामान्य व्यक्ति का किसी एक अफसर को भी संदेह नहीं होता, और इसी वजह से ये लगभग 4-5 साल से ये काम कर रहा था और अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को अलग अलग पोस्ट बताकर ये झांसे में लेकर ठगी का काम कर चुका है। तो इस तरह से आज गंगापुर सिटी पुलिस ने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में ये एक अहम कार्रवाई की, जिसमें एक फर्जी आईएएस बनकर जो विभिन्न महकमों को ठग रहा था उसका एक बड़ा खुलासा आज पुलिस ने किया है। इसको सर कहाँ से गिरफ्तार किया है? इसको मीनापाड़ा और नारायणपुर टटवाड़ा के बीच के रास्ते से अरेस्ट किया गया। टाइम 8 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से साकेत जोशी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है